अभी हाल में ही बुक्सा टाइगर रिजर्व में 23 सालों बाद पहली बार एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है। और मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने कहा भी है, जो आपके टाइगर रिजर्व हैं या राष्ट्रीय उद्यान हैं, इन सबको याद रख पाना बड़ा मुश्किल है। और याद रखिए, देखिए, इनको आपको ही नहीं, कोई भी हो, इतने सारे टाइगर रिजर्व हैं, आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, इन सबको याद रख पाना, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी अपने पास रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें एक स्मार्ट ग्री कह लीजिए आप लोग, स्मार्टनेस कह लीजिए आप लोग, यही होती है कि जब भी आप देखिए कोई टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में है किसी कारण, तो उसी के बारे में आप लोग अच्छे से जानकारी एकत्रित कर लिया करिएगा। क्योंकि आपके देखिए करेंट अफेयर्स से अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसी से पूछा जाएगा, और उसी साल जिस साल आप लोग पेपर दे रहे हैं उस साल जो भी आपके टाइगर रिजर्व चर्चा में रहे हैं उन्हें पढ़कर जाया करिएगा। आप लोग स्क्रीन पर सामने देख भी रहे होंगे बंगाल टाइगर को, देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? ये है बंगाल टाइगर। एक बार आप लोग पश्चिम बंगाल चलिए, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे तो ये आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। और इसे अगर राज्य बनाने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य बनाया गया था। और यहाँ अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी देखने को मिलेगी आपको। और विधानसभा में अगर सीटों की बात करें तो 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें देखने को मिलेगी। और इससे लगे हुए अगर राज्यों की बात करें तो देखिए उड़ीसा भी पश्चिम बंगाल से लगता है, झारखंड भी लगता है, बिहार भी लगता है आपका, सिक्किम भी लगता है, और ये आपका असम भी लगता है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो बांग्लादेश से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है। यानी कि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, ठीक है, नेपाल, भूटान, और एक आपको कौन है, बांग्लादेश। यहाँ आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। और याद रखिए बांग्लादेश वही है, जब 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो उसमें ये एक नया देश उभर के आया था, बांग्लादेश, ठीक है। और उस समय आपके देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऐतिहासिक रूप से बाघ बुक्सा टाइगर रिजर्व की दक्षिणतम सीमा सहित पूरे रिजर्व में पाए जाते हैं। और हालांकि वर्तमान में बुक्सा टाइगर रिजर्व में बाघों का घनत्व कम होता जा रहा है, कितना कम होता जा रहा है इसमें। यहाँ आपको बता चुका हूँ वेस्ट बंगाल आप लोगों को देखना दिख रहा होगा, यहाँ आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व। अगर हम लोग बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करें तो बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के अलीपुरद्वार उपमंडल में आपको देखने को मिलेगा। अगर ये क्वेश्चंस कभी पूछे अगर कि पश्चिम बंगाल के किस जिले में ये आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व है तो आपको बता देना है जलपाई गुड़ी जिला है। और इसी वर्ष 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। कब की बात है, 1983 की बात है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व है इसे टाइगर रिजर्व के रूप में कब स्थापित किया गया था, 1983 में से किया गया था, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे तो इसे जनवरी 1992 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बुक्सा टाइगर रिजर्व की उत्तरी सीमा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है, और सिंचुला पहाड़ी श्रृंखला बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी किनारे पर स्थित है, और पूर्वी सीमा में आप देखेंगे तो असम राज्य को स्पर्श करता है। तो इसकी सीमा आप देखेंगे भूटान देश से भी लगती है, और राज्य की बात करें तो असम से लगती है। और टाइगर रिजर्व में बहने वाली मुख्य नदियों की बात करें तो संकोस हो गई, रेतक हो गई, जयंती हो गई, चोर्णिया हो गई, तुरतुरी हो गई, फस खावा हो गई, दीमा हो गई, नोनानी हो गई, ये सभी यहाँ से होकर जाती हैं, बहती हैं। टाइगर कॉरिडोर के बारे में बात करें, क्योंकि आपने देखा होगा ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता रहता है, और ये भी आप जानते हैं कि हाथी टाइगर रिजर्व, एलिफेंट टाइगर रिजर्व के कॉरिडोर के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व की कॉरिडोर कनेक्टिविटी की सीमाएं उत्तर में आपको भूटान के जंगलों को और पूर्व में कोचू गांव के जंगलों और मानस टाइगर रिजर्व तथा पश्चिम बंगाल में जल्दा पारा राष्ट्रीय उद्यान को स्पर्श करती हैं। और महत्वपूर्ण कॉरिडोर लिंक की बात करें तो आपको निम्नलिखित देखने को मिलेंगे इसमें, बुक्सा टीटी टोरसा के माध्यम से, या बुक्सा टाइगर रिजर्व की रंगमती रिजर्व वन क्षेत्र को टीटी रिजर्व फॉरेस्ट से जोड़ती है। दूसरी आप देखेंगे बुक्सा टीटी ए बीच और भरनावाड़ी टी ए स्टेट के माध्यम से, या भरनावाड़ी टी स्टेट
और बीच टी स्टेट से गुजरते हुए दल सिंगपारा टी स्टेट के दक्षिण में स्थित बुक्सा टाइगर रिजर्व के भरनावाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट और टीटी रिजर्व फॉरेस्ट को जोड़ता है। एक आप देखेंगे निमाती चिलपट्टा बुक्सा चिलपट्टा, यह बुक्सा टाइगर रिजर्व की निमाती रेंज और चिलपट्टा रिजर्व फॉरेस्ट के बीच हाथियों की आवाजाही को सुगम बनाता है और जिससे बुक्सा टाइगर रिजर्व और जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल के बीच हाथियों की आवाजाही सुलभ हो सके। वो एक तरह से आप देखते हैं, वरना कई बार आप सुनते हैं कि दुर्घटना में कई हाथियों की डेथ भी होती रहती है, तो इनका आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके इसके लिए एक तरह से एक कॉरिडोर बनाए जाते हैं। एक आप देखेंगे इसमें संकोच में बुक्सा रिपू, यह गलियारा एक सन्निहित जंगल है जो पश्चिम बंगाल के बुक्सा टाइगर रिजर्व को कोचुगांव वन विभाग प्रभाग और असम के रिपू रिजर्व फॉरेस्ट से जोड़ता है। और याद रहे कि गलियारे उत्तर पूर्व ब्रह्मपुत्र घाटी बाघ परिदृश्य का हिस्सा है जो विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों जैसे बुक्सा मानस टाइगर रिजर्व असम, भूटान में फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की उपस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ अगर हम लोग वनस्पति की बात करें तो मोटे तौर पर आपको रिजर्व के वनों को आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। और जंतुओं में इसमें यहाँ देखें तो रिजर्व में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, इनमें आप लोग इंडियन टाइगर, पैंथेरा टाइगिस टाइगिस भी से आप लोग कहते हैं, लेफर्ड पैंथेरिया पार्डस, क्लाउडेड लेफर्ड इसे आप लोग नियो फेलिस निबुलोसा भी कहते हैं, हॉक बेजर इसे आप लोग आर्क टोनिक्स कोलारिस कहते हैं, जंगल कैट फेलिस चुआस कहते हैं इसे आप लोग। ये इसमें क्या रहते हैं कि आपका जो आप लोग बुक्सा टाइगर रिजर्व देखते हैं ना, उसी की बात की जा रही है। उसमें वनस्पति जो पाई जाती है आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और जंतु की बात करें तो ये सभी आपको यहाँ जंतु भी देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में और भी आपके अन्य संरक्षित क्षेत्र हैं जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपका गुरु गोरू मारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सेंग लीला राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। एक क्या होता है कि कई बार पूछ लेता है आपका कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर हम लोग बाघ की स्थिति की बात करें, बाघ की संरक्षण की स्थिति की बात करें, तो इसमें भारतीय जो आप लोग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पढ़े होंगे ना, 1972 इसकी अनुसूची 8 में देखने को मिलेगा, और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ रेड लिस्ट यानी कि IUCN की रेड लिस्ट में इसे लुप्त प्राय घोषित किया गया है। और वन्यजीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन जिसे आप लोग सिटीज भी कह देते हैं परिशिष्ट 1 में देखने को मिलेगा। और बाघ की भारत में अगर बाघ की संरक्षण की स्थिति की बात करें तो भारत वैश्विक स्तर पर बाघों को की 70% से अधिक आबादी का घर है, यानी कि दुनिया में आप देखिए जितने बाघ पाए जाते हो उनमें से 70% से अधिक भारत में आपको देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि देखिए दुनिया में अगर 100 बाघ हैं तो उसमें से 70 से ज्यादा बाघ भारत में देखने को मिलेंगे। भारत के 18 राज्यों में कुल 51 बाघ अभयारण्य आपको देखने को मिलेंगे। 2018 की अंतिम बाघ गणना में इनकी आबादी में वृद्धि देखी गई थी, और सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप लोग देखते हैं कि टाइगर प्रदेश भी कह देते हैं मध्य प्रदेश को। भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा किसे 4 वर्ष पहले बाघों की आबादी का दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया है, और भारत की बाघ संरक्षण रणनीति में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया गया है, और आप देखिए जो जंगल में लोग रहते हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। भारत में अगर बाघ संरक्षण परियोजनाओं की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, यह वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, और इसे आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन से भी पूछ लिया गया कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था, तो 1973 में पहली बार। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करती है, और हाल में ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने गुरु घासीराम घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य की संयुक्त क्षेत्र में को भारत में 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जो 2006 में संविधान
संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। कब? 2006 में। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, अगर क्वेश्चंस पूछे तो आराम से आप लोग इसका आंसर भी दे पाएंगे। ठीक है।